माँ भवानी शिव मंदिर में नारियल पर मुरादे लिखकर चढ़ाते हैं भक्त। हबीबगंज स्टेशन स्थित माँ भवानी शिव मंदिर शहर के ख्यात मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की माँ भवानी की मूर्ति मंदिर के संस्थापक की माँ को सपना देकर स्थापित हुई है। इस ख्याति प्राप्त मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी मान्यताएं लेकर पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, स्टेशन परिसर में होने के कारण कई यात्री भी इस मंदिर में दर्शन करते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु नारियल पर अपनी मुरादे लिख कर चढ़ाते हैं और माता रानी भी अपने भक्तों की मुरादे पूरी करती हैं। मंदिर के पुजारी पंडित गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि मंदिर संस्थापक स्वर्गीय ईश्वर सिंह चौहान की मां के सपने में माता रानी आई और बोली, मुझे हबीबगंज के मंदिर में स्थापित करो। यह मंदिर हबीबगंज स्टेशन के प्रांगण में बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल पीपल का वृक्ष भी है। इस वृक्ष की शाखाएं मंदिर के शिखर में से बाहर निकलकर मंदिर को शोभायमान बनाती है। बताया जाता है कि यह पीपल का वृक्ष लगभग 100 साल पुराना है। श्री शर्मा ने बताया कि इस स्थान पर पहले ईश्वर नगर नाम की एक झुग्गी बस्ती हुआ करती थी। उसमें कांग्रेस नेता ठाकुर ईश्वर सिंह चौहान का परिवार भी निवास करता था। उनके परिवार वालों व संगी साथियों ने मिलकर इस वृक्ष के नीचे वर्ष 1968 के करीब एक चबूतरे का निर्माण किया और इस पीपल वृक्ष के नीचे बस्ती के लोग माता की छोटी सी मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना करने लगे। वर्ष 1994 के लगभग जब यहाँ से झुग्गी बस्ती का विस्थापन हुआ, तब उस समय इस मंदिर का विस्तार किया गया। नरसिंहपुर से लेकर आए थे मूर्ति। श्री शर्मा के अनुसार स्वर्गीय चौहान की माता द्रौपदी बाई के सपने में माता रानी ने दर्शन देकर कहा था कि जहां मूर्ति जीने जा रहे हो वहां मैं मिट्टी में दब गई हूं, मुझे यहां से ले चलो। इस सपने की बात सुनकर जब श्री चौहान नरसिंहपुर के मूर्तिकार के पास गए तो वहां उस मूर्तिकार को बताया कि यहां कोई दुर्गा जी की प्रतिमा मिट्टी में दबी हुई है। तो मूर्तिकार ने बताया कि वह तो रिजेक्ट मूर्ति है, कोई काम की ही नहीं है, आपको कैसे पता कि मूर्ति मिट्टी में दबी हुई है। तब उन्होंने सारी कहानी सुनाई और वही मूर्ति लेकर भोपाल आ गए। इसके बाद विधि विधान से यहाँ पर माता की मूर्ति की स्थापना की गई। मंदिर की स्थापना के समय यहाँ पर पंडित जगदीश शर्मा ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में एक विशाल सत्यचंडी यज्ञ किया। इसके मुख्य यजमान पीसी शर्मा थे। इस मंदिर में वर्ष 1997 से अखंड ज्योत जल रही है। माँ भवानी व ज्योति की जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। माँ भवानी भरती है सूनी गोद। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित गौरी शंकर शर्मा के अनुसार इस मंदिर में जुड़ी हुई कई अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जिन माता बहनों की गोद सुनी होती है वह श्रद्धा भाव से यहाँ उल्टे हाथ लगाती हैं तो मान्यता अवश्य पूरी होती है। माता रानी के दरबार में मन्नत के लिए लोग नारियल में माता रानी के लिए अर्जी लिखकर लगाते हैं, इससे श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। अश्विनी व चैत्र की नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर साक्षात आकार लेकर लिपट जाते हैं नाग देवता। इस मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित है। इस शिवलिंग की विशेषता है कि यहाँ कई बार साक्षात नाग देवता प्रकट होते हैं और शिवलिंग के आकार से लिपट जाते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। यहाँ आने वाले भक्त शिव से जो भी प्रार्थना करते हैं वह पूरी हो जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।